नमस्कार, गुड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, 75% प्राइवेट जॉब अब सिर्फ झारखंडी को। झारखंड में राज्य मंत्री परिषद की बैठक शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे हुई। इस बैठक में 18 प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लग गई है। राज्य के कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में प्रदेश हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसमें तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को 5,000 रुपये की बेरोजगारी भत्ता और प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लग गई है। इन दोनों योजनाओं को झारखंड सरकार का गेम चेंजर बताया जा रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन के फॉर्मूले से नौकरियां की बरसात, युवाओं को पक्का इंतजाम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नए और कारगर फॉर्मूले से राज्य में नौकरियों की बरसात होने वाली है। सरकार इसके लिए पक्का इंतजाम करने में जुट गई है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में प्राइवेट सेक्टर की 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को दिलवाने का वादा किया था। नई व्यवस्था के तहत राज्य में अब 30,000 रुपये तक वेतन वाले पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगे। झारखंड में हेमंत सरकार ने विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए शुरू की छात्रवृत्ति योजना। राज्य के आदिवासी युवाओं को विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मरांग गोम के जयपाल सी मुंडा प्रादेशीय छात्रवृत्ति योजना शुरू हो गई। राज्य के आदिवासी कल्याण आयुक्त ने वित्त वर्ष 2021-22 में 10 युवाओं को इस योजना का लाभ देने के लिए आवेदन आमंत्रित भी किए हैं। योग्य अभ्यर्थियों को 30 मई तक ईमेल के माध्यम से आवेदन देने को कहा गया है। सभी योग्य अभ्यर्थी दिए गए लिंक पर आवेदन हेतु अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मौसम विज्ञान के आधार पर शनिवार को राज्य में कहीं कहीं गर्जन एवं वज्रपात के आसार हैं। इस क्रम में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा का बहाव संभव है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से झारखंड में निचले स्तर पर तेज गति से हवा का बहाव हो रहा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में शुक्रवार को साइक्लोनिक सर्कुलेशन आसमान में कायम था। पश्चिमी विक्षोभ एवं हवा के बहाव में दिशा बदलाव की वजह से झारखंड के कई इलाकों में आसमान में बादल छाए हुए थे। मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हुई। उन्होंने बताया कि राज्य में अगले 24 घंटे तक दिन की तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। आने वाले 3 दिन में तापमान में धीरे धीरे फिर से बढ़ोतरी होने लगेगी। वहीं झारखंड में मौसम के बदलते मिजाज के बीच शुक्रवार को कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बहुत हल्के से दर्ज की बारिश हुई। कई क्षेत्र में बूंदाबूंदी भी हुई। इस दौरान कई इलाके में तेज हवा का बहाव हुआ, जिससे आम और लीची के पेड़ में लगे मंजर और टिकोरी को नुकसान पहुंचा है। राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा बोकारो के चास में 15.2 मिलीमीटर की दर्ज की गई। वहीं जमशेदपुर में सबसे तेज गति से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का बहाव हुआ। इस हवा से इलाके में कई पेड़ की डालियां भी टूट गई। झारखंड में 2 लाख लोगों को साक्षर बनाने का अभियान होगा शुरू। राज्य के 2 लाख निरक्षर लोगों को इस वर्ष साक्षर बनाया जाएगा। इसके लिए पढ़ना लिखना अभियान 31 मार्च से पहले शुरू किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। अभियान शुरू करने को लेकर सरकार ने राशि आवंटित कर दी है। कुल 1.88 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। लोगों को साक्षर बनाने के लिए स्वयंसेवी संस्था के साथ साथ एनसीसी, एनएसएस, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी व कर्मी और शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों का भी सहयोग लिया जाएगा। 10 से 12 लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा। एक ग्रुप को साक्षर बनाने की जिम्मेदारी एक स्वयं सेवक को दी जाएगी। स्वयं सेवक को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। योजना के तहत निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने वाले स्वयं सेवक को भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस अभियान में 15 वर्ष से अधिक उम्र के निरक्षर लोगों को बनाया जाएगा साक्षर। जेपीएससी परीक्षा में उम्र की छूट की मांग पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में जेपीएससी की कंबाइंड सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उम्र की छूट मांगने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को निर्धारित की गई है। इसको लेकर मुकेश कुमार व अमित कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। मुकेश कुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि कंबाइंड सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उम्र का कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2016 रखा गया है। अदालत से उम्र की कट ऑफ डेट को 1 अगस्त 2011 करने की मांग की है। इस पर अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। खबर है झारखंड के देवघर से।
विमान सेवा शुरू करने का प्रस्ताव। देवघर से शुरू हो सकती है दिल्ली कोलकाता पटना के लिए फ्लाइट। स्पाइसजेट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र भेजकर कुछ शर्तों के साथ देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली कोलकाता वाराणसी और पटना के लिए विमान सेवा शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। वहीं एयर एशिया ने भी देवघर से मुंबई व बेंगलुरु के लिए उड़ान शुरू करने की इच्छा जताई है। कंपनी प्रबंधन की मंत्रालय स्तर पर बातचीत चल रही है। देवघर एयरपोर्ट के डायरेक्टर संदीप डिंगरा ने बताया कि अभी स्पाइस जेट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है, पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार और मंत्रालय को लेना है। वहीं एयर एशिया ने देवघर से विमान सेवा शुरू करने की पहल की है। खबर है झारखंड के साहिबगंज जिले से। साहिबगंज जिले में बनेंगे 4 एकलव्य विद्यालय। साहिबगंज जिले में 4 एकलव्य विद्यालय का निर्माण होगा। आदिवासी व आदिम जनजाति बाहुल प्रखंड के गांवों में इसका निर्माण किया जाएगा। इसमें कल्याण विभाग की ओर से आदिवासी नौनी हालों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। जिला के समेकित जनजाति विकास अभिकरण यानी ITDA की ओर से विद्यालयों के निर्माण के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। अपर समाहर्ता को पत्र लिखकर निदेशक ने प्रत्येक विद्यालय के लिए 15-15 एकड़ जमीन की मांग की है। इतनी जमीन नहीं मिले तो 10 एकड़ जमीन मिलने पर भी विद्यालय का निर्माण हो सकता है। विद्यालय के लिए भवन, छात्रावास, शिक्षक आवास एवं खेल के मैदान आदि की जरूरत होगी। ITDA निदेशक चंद्रशेखर ने बताया कि जिले के तलझारी, पतना, मंडरो एवं बोरियो प्रखंड में कल्याण विभाग, भारत सरकार की ओर से एकलव्य विद्यालय खोला जाएगा। खबर है झारखंड के लातेहार से। बालूमाथ की जन समस्याएं होंगी दूर, आयुक्त ने कहा। प्लामू प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने कहा कि सरकारी योजनाओं के कार्यों में गति लाकर जन सामान्य को लाभान्वित करने से यहां के लोगों की समस्याएं दूर होंगी। पदाधिकारी रुचि लेते हुए ईमानदारी पूर्वक कार्यों का निष्पादन करें। वे बालूमाथ में सरकारी पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रखंड क्षेत्र में अधिक से अधिक योजनाओं को लें और लोगों को उसमें जोड़ते हुए कार्य निष्पादन करना सुनिश्चित करें। आयुक्त ने प्रखंड स्तरीय सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक कर सभी से बारी बारी प्रखंड क्षेत्र में उनके विभाग से संबंधित कार्य प्रगति की जानकारी ली। साथ ही कार्यों में तेजी लाने का सख्त निर्देश भी दिया। वहीं लातेहार में कदाचार मुक्त मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए बैठक भी की गई। जिले में मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण तरीके से करवाने एवं परीक्षा केंद्र चयन को लेकर उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने सबसे पहले जिले में आयोजित होने वाली मैट्रिक व इंटर की परीक्षा से संबंधित जानकारी ली, जिसमें DO के द्वारा बताया गया कि जिले में मैट्रिक के लिए कुल 75 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 13,330 परीक्षार्थी एवं इंटर के लिए कुल 32 केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें 7,438 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जिस पर उपायुक्त के द्वारा निर्देश दिया गया कि जिले में पूर्ण रूप से कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा आयोजित करें। उन्होंने मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा में विधि व्यवस्था बनाए जाने को लेकर DSP को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। खबर है झारखंड के गिरिडीह से। कैसे स्वच्छ रहेगा शहर, डस्टबिन भी नहीं दे पा रहा है नगर निगम। भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू ने उप मेयर प्रकाश सेठ से मिलकर शहर की सफाई व्यवस्था पर चर्चा की। साथ ही ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने शहर में खराब हो चुके डस्टबिन की जगह नया डस्टबिन लगाने, जिन चौक चौराहों व मोहल्लों में डस्टबिन नहीं है वैसे स्थानों को चिन्हित कर डस्टबिन देने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि डस्टबिन नहीं होने के कारण पूरा कचरा सड़कों पर बिखरा रहता है, इससे राहगीरों को काफ़ी परेशानी होती है, साथ ही शहर में गंदगी फैलती है। उपमेयर ने उन्हें शीघ्र ही शहर में सभी जगहों पर डस्टबिन लगाने का आश्वासन दिया। 14 मार्च से चलेगी दो महत्वपूर्ण पैसेंजर ट्रेन। 12 माह के लंबे अंतराल के बाद अब 14 मार्च से धनबाद गया रेलखंड में दो महत्वपूर्ण पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की हरी झंडी रेलवे ने दे दी है। इन ट्रेनों में आसनसोल वाराणसी पैसेंजर एवं धनबाद गया AMU पैसेंजर ट्रेन शामिल है। बताते चले कि इन दोनों ट्रेनों के बंद होने की वजह से जहां एक ओर रोजाना चलने वालों को भारी परेशानी हो रही थी, वहीं दूसरी ओर कई बाजारों के आर्थिक व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। हालांकि रेलवे ने होली का हवाला देते हुए ट्रेनों को चलाने की बात कही है। खबर है झारखंड के कोडरमा से। ध्वजाधारी धाम में उमड़ी भारी भीड़, हजारों लोगों ने किया जलाभिषेक। भोले शंकर की जयकारे के साथ प्रसिद्ध ध्वजाधारी धाम में दो दिवसीय महाशिवरात्रि मेले के दूसरे दिन भारी भीड़ उमड़ी। कोडरमा के साथ साथ विभिन्न जिलों से हजारों लोग धाम पर पहुंचकर बाबा का जलाभिषेक किए। कोविड के कारण कई माह तक लोगों के मंदिर आवागमन पर रोक लगी हुई थी। इस वर्ष का पहला पर्व होने के कारण लोगों में जबरदस्त उत्साह भी देखा गया। समिति द्वारा मेले को लेकर खास व्यवस्था की गई थी। लोगों ने झूला व मनोरंजन के साथ अन्य साधन का लुत्फ भी जमकर उठाया। इस कारण कोडरमा बाजार में भी भारी भीड़ देखने को मिली। खबर है झारखंड के गोड्डा से। अवैध ईंट कारोबार से नदियों को खतरा।
जिले के सदर प्रखंड सहित पोड़ियाहाट, पथरगावा, पसंतराय, महागावा और ठाकुरगंगटी प्रखंड में नदी तटों पर बड़े पैमाने पर ईंट निर्माण का गोरख धंधा चल रहा है। पथरगावा के सिमरिया घाट और चिलकरा श्मशान घाट सहित भलसुंदिया आदि गांव में किसानों के खेतों की मिट्टी कटाई कर ईंट कारोबारी की ओर से संगठित रूप से बड़ा कारोबार चलाया जा रहा है। ग्रामीणों की ओर से ईंट भट्टा संचालकों के खिलाफ खनन और श्रम विभाग से कार्रवाई की मांग की गई है। ग्रामीणों ने इस मामले पर आंदोलन का अल्टीमेटम तक दे डाला है। बताया जाता है कि गोड्डा जिले के उक्त प्रखंड क्षेत्रों की मिट्टी ईंट निर्माण के लिए काफी उपयोगी है। इसकी मांग पूरे संथाल परगना में है। खबर है झारखंड के पाकुड़ से, मजदूरों को उपलब्ध कराएं 100 दिन काम। मनरेगा के जॉब कार्ड धारी मजदूरों को 100 दिन का काम उपलब्ध कराएं, यह निर्देश शुक्रवार को बीडीओ उमेश मंडल ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान कर्मियों को दी। बैठक में पुरानी योजनाओं में नियमानुसार कार्य करते हुए MIS कर क्लोज करने का निर्देश दिया गया। रिजेक्ट ट्रांजेक्शन में अकाउंट प्लस आधार कार्ड जॉब कार्डधारी मजदूरों का जमा कर FTO जनरेट करने का निर्देश भी दिया गया। वहीं पर पाकुड़ में शिक्षा की गुणवत्ता व नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 26 शिक्षक सम्मानित हुए। आप सबको बता देना चाहता हूं कि रोल मॉडल स्कूल की स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्यार्थियों को लघु स्कॉलरशिप प्रदान करने के लिए उन्हें ऐप के साथ जोड़ा जा रहा है और झारखंड राज्य में नवाचार प्रेरित शिक्षण की ओर से अग्रसर किया जा रहा है। हाल ही में आयोजित अरविंदो सोसाइटी के वेबिनार राष्ट्रीय सम्मेलन शून्य से सशक्तिकरण में देश की शिक्षा मंत्री ने इन सभी अभियानों की शुरुआत की है और अपना सहयोग प्रदान किया है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि इन सभी कार्यक्रम के तहत जिले के 26 शिक्षकों को सम्मानित भी किया है। वहीं पाकुड़ में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित मासिक अपराध गोष्ठी में SP मणिलाल मंडल ने कहा कि अपराध और कोयला चोरी पर हर हाल में अंकुश लगाएं। होली को लेकर क्षेत्र में विशेष चौकसी बरतें, पर्व के दौरान कोई अराजक तत्व किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं कर सके। SP ने फरवरी माह में विभिन्न थाना क्षेत्र में हुई घटना व दुर्घटना की समीक्षा की, थानेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। खबर है झारखंड के खूंटी से, शहीदों के सपनों के अनुरूप गांव में गढ़े विकास की गाथा, राज्यपाल ने कही। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए अनगिनत लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, ऐसी कई महान विभूति हैं जिन्हें इतिहास में जगह नहीं मिली। देश व अलग अलग राज्यों के वैसे महान विभूतियों से लोगों को रूबरू कराना ही आज़ादी के अमृत महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री का यह प्रेरणादायक व क्रांतिकारी प्रयास है। शुक्रवार को आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलब्ध पर 5 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज़ादी के आंदोलन में कुर्बानी देने वाले कई नाम इतिहास के पन्नों से गुम है, ऐसे में इतिहास का पूर्ण लेखन भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, अमृत महोत्सव मनाने के लिए खूंटी जिले का चयन होना पूरे झारखंड के लिए गौरव की बात है। खूंटी की धरती अब्बा बिरसा मुंडा की पावन भूमि है, ऐसे स्थान में आज़ादी के महानायकों से संबंधित कार्यक्रम में शामिल होना स्वाभाविक की बात है। ऐसे ऐतिहासिक महोत्सव के लिए खूंटी का चयन करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।